हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि बहुत मज़े में होंगी। मैं दोस्तों आपसे एक आपके साथ एक ट्यूटोरियल बहुत ज़रूरी जो मुझे लगता है वो शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो आज मैंने सोचा यही पढ़ा दूँ, लेकिन ये काम कंप्यूटर से नहीं होगा, ये मोबाइल से होगा। तो मोबाइल से होगा, ज़रूरी भी है। तो क्या टॉपिक हो सकता है? टॉपिक है मोबाइल रिचार्ज, हाउ टू मोबाइल रिचार्ज बाय योर यूपीआई और गूगल पे कह सकते हैं। तो देखिए, गूगल पे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे आप हर तरह के ऐप पर जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफ़र का भी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में कर सकते हैं ना। इसमें ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे टू फोन, पे टू कॉन्टैक्ट के बाद स्वाइप करते जाएगा, गूगल पे ओपन करने के बाद, पासवर्ड पिन वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे जाएगा, आपको मिलेगा मोबाइल रिचार्ज। क्या मिलेगा? मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है, मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो इधर उधर हो जाता है, तो आप लेफ्ट स्वाइप करके नंबर डालने के लिए एडिट बॉक्स पे अपना फोकस ले आइएगा। किस पे लाएंगे? नंबर डाल मतलब एडिट बॉक्स पे, वरना आपको बहुत मिलेगा एयरटेल प्री जियो प्रीपेड, ये वो बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा, स्वाइप करके आप देख सकते हैं, लेकिन आपको डालना यानी नंबर है। जो मेरा नंबर है, तो मान लीजिए मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगी, फ़ोन नंबर के बाद डन करूंगी उसे। डन करने के बाद वहाँ पर डन कहाँ होता है? डिलीट के नीचे जो हम बटन होता है वहीं डन बटन होता है। तो नंबर डाल के डन करेंगे तो फिर आपके नंबर के रिगार्डिंग अगर कुछ और ऑफर्स होंगे या ऑप्शंस होंगे, आप नेविगेट करके उनको देख सकते हैं। लेकिन नंबर डालने का पहला ऑप्शन जो आएगा कि स्मार्टफोन, वो पहला ऑप्शन जो आएगा अमाउंट फील्ड का आएगा। तो अमाउंट फील्ड पे आपको एक अमाउंट ज़रूर डालना है, कोई भी जितना। मान लीजिए आप दो, मान लीजिए आप 500 रुपये डाल देते हैं तो पांच, वरना बहुत सारे आपको दिखाएगा सर्च के लिए, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक एवरेज अमाउंट डाल दें जिसके हिसाब से ऑफर्स निकाल के आ जाए। तो आप 500 रुपये डाले आपने और सर्च पे डाल दिया। सर्च पे डालने के बाद पहला ही उसको गौर से सुनिएगा कि वो धीरे बोलता है ₹500, कॉल वैलिडिटी, ये सब धीरे धीरे बताएगा। तो इस तरह 500 के अप्रॉक्स जितने भी ऑफर होंगे वहाँ आपके पास निकल के सारे आ जाएंगे। जिस भी आपको ऑफर पे, जिस भी आपको ऑफर से रिचार्ज करना है उस ऑफर पे डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा, पेज लोड हो जाएगा, और उसके बाद आप राइट स्वाइप करके पे और जितना अमाउंट बताएगा उतने बटन पे क्लिक कर देंगे। पे मान लो 749, ये तो 750, तो उस बटन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले ही आपका अकाउंट बैंक वगैरह सब शो कर देगा और आपको जो है ऑफ़र की जानकारी भी जाएगी, क्या क्या इसमें फ्री है, पहले ही बता दिया मैंने सब। फिर जब पे 750 आएगा तो उस पर एंटर करके और वहाँ पे अपना UPI ID डाल देंगे, और 6 डिजिट का होता है मैक्सिमम, और अनलेबल्ड पर क्लिक कर देंगे तो वो तुरंत रिचार्ज हो जाएगा और आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। 7 के नीचे जो होता है अनलेबल्ड, वो ज़्यादातर जो लोग, अगर किसी के फ़ोन में होता है तो वो डिलीट के लिए होता है, लेकिन डिलीट वाला बटन जहाँ आता है उसके नीचे जहाँ अनलेबल्ड होता है वो डन के लिए होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए स्टेप्स को। गूगल पे ओपन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो भी आपका है आपने बनाया, रिचार्ज मोबाइल, ये रिचार्ज हम एक आएगा जो आएगा पे बिल, एक आएगा रिचार्ज मोबाइल। रिचार्ज मोबाइल पर क्लिक करेंगे, अपना नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद आपको, वरना वरना तो जो है आपको सारे के सारे प्रीपेड जितने भी चीज़ें वो दिखाएगा, इसलिए अपना नंबर डालें पहले ही कॉलम में। नंबर डालने के बाद आप उसको डन करें, डन करने के बाद एक अमाउंट डाल दें कोई भी, उसके रिगार्डिंग ऑफर निकल के आ जाएंगे। अगर आपको ऑफर ना शुरू करें इसलिए आप अमाउंट ज़रूर डाल दें, अप्रॉक्स अमाउंट कितने तक का चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आ जाएंगे। और उसके रिगार्डिंग आने के बाद फिर आप जो है, जो आपके अप्रॉक्स अमाउंट है जिसके आप रिचार्ज चाहते हैं उस पर क्लिक करें, लोडिंग पेज खुल जाएगा, पे वो पत्र आ जाएगा, पे जितने भी रुपए हैं उस पे वो आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब शो करेगा, किस बैंक से करना चाहते हैं सब। तो पे 750 एग्जाम्पल दिया या पे 500,
उस पे एंटर करेंगे, यूपीआई डाल देंगे, डन कर देंगे, मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ अगली बार से यानी इस बार से आप अपना मोबाइल आप खुद ही रिचार्ज करेंगे। मेरी दी हुई जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।